रिजे पुलिस लाइन गोरखपुर के परेड ग्राउंड में स्थित पुलिस स्मृति स्थल पर वीर शहीद पुलिस कर्मियों के स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एडीजी दावा शेरपा, आईजी जय नारायण सिंह, एसएसपी शलभ माथुर, एसपी रेलवे पुष्पांजलि, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहजवान, एसपी साउथ विपुल श्रीवास्तव, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे सहित सभी सीओ, थाना प्रभारी और आरक्षी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम एडीजी ने पूरे देश में इस वर्ष शहीद हुए पुलिस कर्मियों को अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। इस मौके पर एडीजी, आईजी, एएसपी सहित आला अधिकारियों ने पुष्प चक्र के माध्यम से शहीद स्मृति पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर एडीजी दावा शेरपा ने गोरखपुर जनपद के 3 वीर शहीदों के विधवाओं को 5,000 रुपए और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में बस्ती में नियुक्ति के दौरान शहीद हुए आरक्षी राम भजन निवासी ग्राम जिंदापुर थाना पीपीगंज की धर्मपत्नी मीरा देवी, सिद्धार्थनगर में नियुक्ति के दौरान हुए शहीद आरक्षी रामचल निवासी ग्राम हरिहर बक्सा थाना बासगांव की धर्मपत्नी सुभद्रा देवी को तथा आरक्षी चंद्रभूषण चौहान निवासी प्रतापपुर थाना चिलवाताल धर्मपत्नी शशिकला शामिल है। शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों से एसएसपी ने वार्ता कर उन्हें अपने विभाग द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के प्रति आश्वस्त किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। साथियों के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने कर्तव्य पालन के पथ पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से उन वीर साथियों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब मैं पिछले विगत एक वर्ष में जो साथी हमें इस वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका नाम पढ़ूंगा। दिनांक 1 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक की अवधि में संपूर्ण भारत में 414 पुलिस जनों द्वारा कर्तव्य की वेदी पर अपनी जीवन आहुतियाँ दी गई है, जिसमें से आंध्र प्रदेश के 6, अंडमान निकोबार के 1, आसाम 2, बिहार से 10, छत्तीसगढ़ से 25, दिल्ली से 13, गुजरात से 1, हरियाणा से 2, जम्मू कश्मीर से 46, झारखंड से 7, कर्नाटका से 15, केरल से 6, मध्य प्रदेश से 8, महाराष्ट्र से 3, मणिपुर से 3, मेघालय से 1, उड़ीसा से 1, राजस्थान से 1, सिक्किम से 1, तमिलनाडु से 2, तेलंगाना से 2, त्रिपुरा से 1, उत्तराखंड से 2, पश्चिम बंगाल से 18, असम राइफल के 8, बीएसएफ के 42, सीआईएसएफ के 9, सीआरपीएफ के 27, एफएससीबी एवं एचसीएचजी से 20, आईटीबीपी के 34, एनसीबी के 1, एनडीआरएफ के 3, आरपीएफ के 25 एवं एसएसबी के 1 जवान सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस से 5 उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक M1, मुख्य आरक्षी 18, लीडिंग फायरमैन 1, आरक्षी चालक 2, आरक्षी 40, इस प्रकार से कुल 67 पुलिस जन सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश के समस्त पुलिस जन इनके महान कर्तव्य पालन और अप्रतिम बलिदान की सराहना में नतमस्तक है और हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सिंह एसआई एपी हरि प्रसाद वीर सिंह, एएसआईएम कांस्टेबल उदय चंद्र यादव, हेड कांस्टेबल सीपी अरुण कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह, कांस्टेबल चंद्रभूषण चौहान प्रदीप कुमार, कांस्टेबल राहुल खोपाल सिंह, कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह, कांस्टेबल अंकित तोमर, कांस्टेबल राम कुमार सिंह, कांस्टेबल विजेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुभाष, कांस्टेबल
क्या होता है। अपर पुलिस महानिदेशक महोदय को आग्रह करें कि गुड।
गोरखपुर पुलिस लाइन में 3 शहीद परिवार यहाँ पर आए थे जिनको कि सम्मानित किया गया है। और 21 अक्टूबर का दिन जो होता है पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन पूरे हम लोग अपने देश प्रदेश के जो ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी जो शहीद हुए उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। 3 पुलिस परिवार यहाँ पर आए थे और साथ ही साथ उनको कोई समस्या इत्यादि तो नहीं है उसके ऊपर भी उनसे वार्ता की गई, और रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे। और हम सब लोग एक परिवार की तरह हैं और आगे भी हम लोग का यही प्रयास होता है, सतत प्रयास है कि हम लोग अपने परिवार का पूरी तरह से पुलिस परिवार का ध्यान रखें।